नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को एंट्री देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला महिलाओं के हक में दिया था, लेकिन लगता है कि यह फैसला केरल की महिलाओं को रास नहीं आ रहा है। तभी महिलाओं ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है, महिलाएं ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। ये महिलाएं नहीं चाहती हैं कि कोई महिला सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करे। दरअसल कल सबरीमाला मंदिर की मासिक पूजा के लिए गेट खोले जाने हैं, लेकिन इससे पहले ही मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को रोकने के लिए केरल में बड़े स्तर पर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। बता दें कि बीजेपी ने अपने सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर सबरीमाला बचाओ अभियान शुरू कर दिया है। इसमें बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता भगवान अयप्पा की तस्वीर हाथों में लिए शामिल हुए नजर आए। इस सिलसिले में मंदिर बोर्ड ने मंदिर के मुख्य पुजारियों और राज परिवार के साथ बैठक भी बुलाई है। इसमें 17 नवंबर से शुरू होने वाला सालाना उत्सव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। बता दें कि प्रदर्शन करने वाले संगठनों का कहना है कि वे 17 अक्टूबर को होने वाली मासिक पूजा में महिलाओं के प्रवेश नहीं होने देंगे। इसके लिए जरूरत पड़ी तो वो मंदिर के परिसर के गेट पर लेट जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस और राज्य के कई हिंदू संगठन भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं को प्रवेश करने की इजाजत दी, क्योंकि पहले यहां 10 साल की बच्चियों से लेकर 50 साल तक की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी थी। दरअसल 12वीं सदी के इस मंदिर में भगवान अयप्पा की पूजा होती है और मान्यता है कि अयप्पा भगवान शिव और विष्णु के स्त्री रूप अवतार मोहिनी के पुत्र हैं। भगवान अयप्पा के दर्शन करने के लिए हर साल यहाँ लगभग 5 करोड़ लोग आते हैं और इस मंदिर की व्यवस्था का जिम्मा राज्य में मंदिर का प्रबंधन देखने वाले त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड के हाथ में है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।